सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जैसा कि आप लोगों को पता ही है, मेरा नाम है सुमन और मैं हूँ पेशे से हिंदी और योगा टीचर। प्यारे बच्चों, बहुत सारी यूनिवर्सिटी CUET से एंट्रेंस एग्जाम करा रही है, चाहे आप UG कोर्स ले रहे हैं, चाहे PG कोर्स या कोई भी PhD प्रोग्राम इत्यादि में। तो बच्चों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, स्पेशली अपने डोमेन को लेके और डोमेन सब्जेक्ट और लैंग्वेज को लेके। तो इसी के जानकारी मैं आज आपको देना चाहती हूँ बच्चों। अगर आपका भी कन्फ्यूजन है तो वीडियो को पूरा ज़रूर देख लीजिएगा। तो क्वेश्चन जो मेरे पास कमेंट बॉक्स में लिख के आया है, वन ऑफ माई स्टूडेंट शी हैज़ रेज अ क्वेश्चन, जिनका की नाम है सोनी जी। वो ये कह रही हैं कि उनको करना है BA Art से, तो वो कौन कौन से सब्जेक्ट चुने। तो देखो बच्चों, उसके लिए सबसे पहले आप एक काम कर लीजिए, NTA की वेबसाइट पर जाइए और इस PDF को डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है, जो कि है NTA.ac.in। इसमें आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी जो कि मैं आपको यहाँ पे पढ़ के बता रही हूँ। तो UGC नॉट UGC CUET ने साफ साफ लिखा है कि जो आपका एग्जाम होगा वो 4 सेक्शन में होगा, ठीक है। फर्स्ट सेक्शन होता है 13 लैंग्वेजेस, तो इसमें आप देख लीजिए कि आपकी कौन सी भाषा है। तो बेसिक भाषा जो है वो है इंग्लिश और हिंदी। सेक्शन 1B जो है वो 19 लैंग्वेजेस का है, तो ये फॉरेन लैंग्वेजेस के लिए। तो ये अगर स्पेशली मैं बात कर रही हूँ उत्तराखंड के बच्चों का, तो उनका इससे कोई लेना देना नहीं है। आपके लिए जो है वो सेक्शन 1A है, ठीक है। तो इसमें आप अपनी भर सकते हैं केवल इंग्लिश और हिंदी। अब बात करते हैं कि बेसिकली सेक्शन 2 जो है कि इसमें डोमेन क्या है और डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट से क्या मतलब है, कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपने किस डोमेन में भरना है। और बच्चे का क्वेश्चन है, वृद्धि नाम है एक लड़की, उनका मेरे से क्वेश्चन है कि वो कितने डोमेन में भर सकते हैं। तो वो BCOM से कर रहे हैं, वो कितने डोमेन में भर सकते हैं। तो सबसे पहले तो बच्चों मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि बच्चों को डोमेन को लेके भी बहुत कन्फ्यूजन है, क्योंकि ये थोड़ी हाई लेवल की इंग्लिश यहाँ पे इन्होंने यूज कर दी है। डोमेन कुछ और नहीं है बच्चों, डोमेन इज बेसिकली कि आपका स्ट्रीम क्या है, यानी कि आपने जो किया है वो आर्ट्स स्ट्रीम के बच्चे हो या साइंस स्ट्रीम के बच्चे हो या कॉमर्स स्ट्रीम के बच्चे हो। तो सबसे पहली बात हो गई डोमेन की। सिंपल भाषा में आप समझ लीजिए कि मान लीजिए इंग्लिश का वर्ड होता है ब्यूटीफुल, तो ब्यूटीफुल की इंग्लिश होती है नॉर्मल प्रिटी नाइस लुकिंग, और अगर एडवांस इंग्लिश की मैं बात करूँ तो वो होती है गॉर्जियस। तो सिंपल भाषा में यहाँ पे भी डोमेन का जो मतलब है वो होता है आपका स्ट्रीम, ठीक है। तो स्ट्रीम की अगर मैं बात करूँ बच्चों, तो इसमें इन्होंने दिए हैं कि टोटल 27 सब्जेक्ट जो हैं वो आप इस एग्जाम में भर सकते हैं। अब बात आती है कि एक बच्चा कितने सब्जेक्ट को भर सकता है, कितने डोमेन को वो भर सकता है। तो इसमें टोटल जो आपको दी गई है वो दी गई है 6 डोमेन, ठीक है। यहाँ पे साफ साफ उन्होंने लिखा हुआ है, देखिए अगर आप इसे पढ़ेंगे, सेक्शन 2 ऑफर्स 27 सब्जेक्ट आउट ऑफ विच अ कैंडिडेट मे चूज अ मैक्सिमम ऑफ 6 सब्जेक्ट, यानी कि आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम 6 सब्जेक्ट अपने भर सकते हैं, ठीक है। लैंग्वेज की अगर मैं बात करूँ, जो जो सेक्शन 1 है, तो उसमें आप मिनिमम 3 लैंग्वेज तक भर सकते हैं। बेसिक लैंग्वेज जो है इंग्लिश और हिंदी, जो कि हमारी भाषा है, उसे तो हमने भरना ही है। बाकी आप जो भी अगर अन्य लैंग्वेज आपको कोई आती है तो वो आप देख लीजिएगा। अब बात करते हैं स्पेशली कि सोनी जी का क्वेश्चन है कि मैं अपने आर्ट्स के सब्जेक्ट को कैसे चूज करूँ। तो सोनी जी, देख सकते हैं आप कि 27 सब्जेक्ट यहाँ पे, आर्ट्स आपने किसी भी सब्जेक्ट में किया होगा। देखिए ज्योग्राफी है यहाँ पे, हिस्ट्री है आपका, पॉलिटिकल साइंस आ गया है, सोशियोलॉजी है, होम इकोनॉमिक्स है, होम साइंस है। तो ये सारे सब्जेक्ट आपके आर्ट्स के भर भर के यहाँ पे, इनमें से आप कोई से भी अपने 6 सब्जेक्ट को चूज कर सकते हैं। दूसरी बात क्वेश्चन है वृद्धि जी का कि मेरे BCOM के सब्जेक्ट और डोमेन कितने चूज करूँ। तो भाई आपके लिए भी 6 डोमेन आप चूज कर सकते हैं वृद्धि जी। और जो सब्जेक्ट हैं वो देखिए, ये है अकाउंटेंसी, बुक कीपिंग, और ये आपका सब्जेक्ट है बिजनेस स्टडीज, आपका सब्जेक्ट है बिजनेस इकोनॉमिक्स, आपका सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स, आपका सब्जेक्ट है, और कुछ कुछ BCOM वाले बच्चे मैथमेटिक्स को भी लेते हैं। तो बच्चों देखिए, ये सारे आपके सब्जेक्ट हैं। अब बात आते हैं कि मान लीजिए कोई कोई बच्चे ने 12th मान लीजिए बायोकेमिस्ट्री में किया है, उसका सब्जेक्ट नहीं है, तो वो क्या करें। तो बच्चों उनका हल ये है कि वो बायोकेमिस्ट्री का सब्जेक्ट नहीं है, तो उसके बदले वो बायोलॉजी को ले सकते हैं। बस ये है इसमें सिंपल सा फॉर्मूला, ठीक है बच्चों। तो उम्मीद करती हूँ कि मैंने आपके सवालों के जवाब दे दिए होंगे बहुत ही सीधी और सरल भाषा में। इस वीडियो को सुनने के बाद और देखने के बाद भी अगर आपका कोई भी प्रश्न है किसी भी स्टेट के बच्चे का, कहीं से भी, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, आई विल रिप्लाई बैक टू योर क्वेश्चंस, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और मिलेंगे मेरे कुछ नए अच्छे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि
पढ़ेगा इंडिया तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, सत्यमेव जयते, धन्यवाद।